जल, उसमें गंगा जल मिला दो थोड़ा सा, क्योंकि आज कार्तिक है ना, कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान होता है, तो हम नहीं जा पा रहे गंगा स्नान करने। गंगा जल मिला के फिर उसमें जो तीन दान को दूध अर्पित करो, प्रसाद अर्पित करो। अच्छा तर्पित करो, अच्छा थे वो। देखो हमारा दीपदान, जय बोलो, जय गंगा मैया की, जय गंगा जय मैया की, जय। जय गंगा मैया की। यदि आप कहीं हो, नहीं जा सकती हो गंगा जी स्नान करने, तो आप ऐसे दीपदान कर सकती हो घर में। गंगा मैया की जय जय बोलो, गंगा मैया की। जय। देखो तो दीपदान, आप कहीं भी रहो, अभी हम क्या करें, नहीं जा सकते। मेरा बहुत इच्छा था कि हम जाए गंगा स्नान करें, नर्मदा स्नान करें, नहीं जा पाई हूँ, तो मैं गंगा जी इसी में डाल के और दीपदान कर दी हूँ, हो गई मेरी पूजा। तुम भी कर सकती हो, तो आपने ये कितने, इसमें कितने दीप जलाने होते हैं मम्मा? वो तो अपनी इच्छा अनुसार है। जैसे कि आप 121 दान करो, अपन जितना मन है उतना, और 21, 51, तो हम तो 11 दीप जलाए, अच्छा, आपने 11 दीप जलाया था एक इसमें। 11 दीप को दान की हूँ अच्छा बढ़िया, मैं। मैं भी करूँगी अगर कभी नहीं जा पाई तो। 21 कर लो, 51 कर लो, 121 कर लो, वो तो जितना करो, जितना बन सके तुमसे उतना कर सकती हो। तो संक्रांति हो या पूर्णिमा हो, आप चाहते हैं कि गंगा स्नान करें। यदि आपको संभव नहीं है, तो आप नहाने के पानी में भी गंगा जल मिला के नहा सकते हैं और गंगा स्नान